गाइस शाम के जो है 4:30 करीब बज चुके हैं और अपनी ट्रेन जो है वो बिल्कुल राइट टाइम चल रही है। हम पहुंच चुके हैं भोपाल स्टैंड, जो कि मध्य प्रदेश पड़ता है, जहाँ भोपाल इंदौर ही बहुत बड़े गायक फेमस शायरी करते थे, वो हुआ करते थे किसी टाइम पे। आज वो अफसोस की बात है कि नहीं रहे, लेकिन हम उन्हीं के शहर पहुँच चुके हैं भोपाल। और यहाँ सुना है बहुत बढ़िया रेस्टोरेंट है ट्रेन के पास ही, मिलन रेस्टोरेंट। तो अभी देखते हैं वहाँ से अगर कुछ ऑर्डर होगा तो वहाँ से कुछ खाना ऑर्डर किया जाएगा। आप भोपाल शहर देखिए, तो ये तो ट्रेन जहाँ से जाती है थोड़ा सा आउटर वाला एरिया रहता है, तो समझ लीजिए आप थोड़ा भोपाल का आउटर एरिया है ये। मेन सिटी तो मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगा, लेकिन आप आउटर के मजे लीजिए। शताब्दी जा रही है हमारे सामने से, ये आपकी नई दिल्ली रानी कलमपति, फिर दिल्ली जा रही है, काफ़ी दूर का रास्ता है। शताब्दी पहली बार देख रहे हो इतने लंबे रूट में। ये जा रही है नई दिल्ली से रानी कमलापति, नई दिल्ली से कालका। तो ये मतलब इसका रूट काफ़ी लंबा है, कालका मतलब शिमला तक का ये रास्ता है। ये कालका से शिमला के लिए टॉय ट्रेन चलती है जो, भोपाल पहुंच चुका हूँ इस टाइम। और यहाँ पे हमारी गाड़ी 5 मिनट का स्टॉपेज है, 5 बजे ये निकल जाएगी गाड़ी अपने अगले डेस्टिनेशन के लिए। और इसका नेक्स्ट स्टॉपेज जो है ऑलमोस्ट 5 घंटे के बाद है। अभी ट्रेन सीधे जाके जो है नागपुर में रुकेगी, तो यहाँ पे भी मुझे लग रहा है कुछ खाना मिलेगा, क्योंकि मैंने सोचा था मिलन रेस्टोरेंट से ऑर्डर करूँगा और वो भी नहीं हो पाया बातों के चक्कर में। तो ये 5 मिनट का हॉल्ट है, उसके बाद यहाँ से निकलेंगे सीधा नागपुर के लिए ट्रेन। कहाँ सो रही है दिखाओ, शक्ल नहीं दिख रही इसकी। अरे ये देखिए दोस्तों, हाँ ये देखिए आप दोस्तों, ये जो है इन्होंने पीछे से देखो एक और शीशा है, अपर बर्थ ले लिया इन्होंने हमारा, ये शीशा है पीछे आगे होता है शीशा। आप सो जाओ आप, क्योंकि 2 दिन आपको इसी में रहना है। ना यार, और थोड़ी देर खेलेगी फिर सोएगी। थोड़ी देर खेलोगे, यहाँ कैसे खेल सकते हो आप? ऊपर वाला बेड इन्होंने ले लिया, नीचे वाला बेड मेरा है। ये आराध्या बहुत बदमाशी कर रही है जब से ट्रेन में बैठी है, कुछ काम करके टायर्ड होती है, आज कोई काम नहीं है इसलिए टायर्ड होती है। चलो गुड़िया सो जाओ फटाफट। Thank you.
आज इधर गाइस, रात का भी 10:30 बज चुके हैं और हम लोग इस टाइम यहाँ पे नागपुर पहुँच चुके हैं हवाई ट्रेन। और ये अभी इसके बाद हम लोग खा पी के सो जाएंगे, रात का दौर नहीं दिखा पाऊँगा आपको, लेकिन सुबह विजयवाड़ा पहुँचेंगे तब आपको दिखाएंगे। चलिए आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में, आप सीधे सुबह मिलता हूँ आपसे, नई सुबह के साथ नई मॉर्निंग मिलता हूँ। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड कॉमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल सफ़र विद पॉल। थैंक यू सो मच दोस्तों। जैसे कि मैंने बताया था कि अभी नागपुर में है और नागपुर के जो है संतरे बहुत फेमस है ना, तो हमने कहा कि ले लिया जाए। इन्होंने संतरे 100 रुपये के दिए, 70 रुपये अंगूर है। तो ये भाई साहब मिले थे स्टेशन पे, इकलौते यही दिखे, तो हमने कहा जहाँ पे आए वहाँ की जो फेमस चीज़ ले लिया जाए। तो हमने 1 किलो संतरा और अंगूर पैक करा लिया है, देखते खाएंगे कल सुबह खाएंगे, आज तो नहीं खा पाएंगे। क्या है ये गुड़िया? पिज्जा, दो पिज्जा। सब खा लो क्या? दोस्तों ये ट्रेन का खाना जो स्टेशन में कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, तो हम लोगों ने डोमिनोज पिज्जा ऑर्डर कर दिया था, तो यहाँ पे गया टाइम पे। अभी भी ट्रेन चल रही है, 5 मिनट है। क्या करें अब? आपको भी आराध्या नहीं खाएगी? यम्मी यम आराध्या ट्रेन में पिज्जा मिल रहा और क्या चाहिए। और दोस्तों आई एक्सिगो के ऐप से आप लोग चीज खा रहे हैं हम लोग, किसी भी रेस्टोरेंट जो भी आईसीटी से लिस्टेड है आप ऑर्डर कर सकते हो। पिज्जा बहुत टेस्टी बना हुआ है, देखिए। बस ये पिज्जा वगैरह खाते हैं उसके बाद सोते हैं, फिर अब रात में तो दिखा नहीं पाऊंगा, लेकिन कल सुबह विजयवाड़ा जब हम पहुँच जाएंगे मेरे ख्याल से 8:30 बजे फिर आपको दिखाते हैं विजयवाड़ा स्टेशन और सुबह के नज़ारे। तब तक के लिए हैव अ गुड गुड मम्मी के वजह से टेक केयर। दोस्तों ट्रेन में हमको कराटा सूर मिल गया है, खुद चैन की नींद सो रहे हैं, हमारी नींद आराम कर दी है। इसका नाम है कराटा सूर, कराटा सूर। दोस्तों प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है जिनकी नींदें हराम हुई रात में और लोग कराटा सूर के जरा खर्र 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 करके सो रहे हैं।